माने रहीम, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कबल गिरफ्तारी जमानत में मुलजम अगर पहली तारीख के बाद अगर किसी तारीख पे किसी मुनासिब वजह या सफिशेंट काज की वजह से हाजिर नहीं हो सकता हो पाता तो उस सूरत में मुलजम को उस मखसूस डेट के लिए एग्जेम्पशन दी जाएगी और उस सूरत में कोई भी कोर्ट मुलजम की जमानत खारिज नहीं करेगी। 498 CRPC इस बात को वाजे करती है कि मुलजम की हाजिरी सिर्फ फर्स्ट डेट के लिए प्री अरेस्ट बेल के लिए फर्स्ट डेट पे फर्स्ट टाइम उसका पेश होना जरूरी है। अगर वो फर्स्ट टाइम पेश नहीं होता और अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करता तो उस सूरत में मुलजम की प्री अरेस्ट उसे नहीं दी जाएगी। तो इंटरिम बेल के लिए जरूरी है कि मुलजम फर्स्ट डेट पे फर्स्ट टाइम पे हाजिर हो। अगर फर्स्ट डेट पे हाजिर होने के बाद मुलजम को जब ऑर्डर किया जाता है शोर्टी जमा कराने का और वो शोर्टी जमा करवा देता है तो शोर्टी जमा करवाने के बाद सब्सिक्वेंट जो डेट होती हैं बेल कंफर्म होने या रिजेक्ट होने तक, उस वक्त तक अगर किसी डेट में मुलजम किसी वजह से किसी मुनासिब काज की वजह से वो हाजिर नहीं हो सकता तो उस वक्त कोर्ट अगर कौंसिल की हाजिरी पे और कौंसिल की यकीन दहानी पे कोर्ट मैटर को अडजर्न कर देगी फर्दर प्रोसीडिंग के लिए और उसकी हाजिरी के लिए और उसमें खारिज नहीं करेगी, उसमें जमानत खारिज नहीं करेगी। इस मैटर को क्लियर किया गया, बड़ी वजाहत के साथ इस मैटर को बयान किया गया 2018 YLR 323 लाहौर में, 2018 YLR 323 लाहौर की जजमेंट है जिसमें बहुत वजाहत के साथ बयान किया गया कि अगर सफिशेंट काज मौजूद होगा तो सब्सिक्वेंट डेट पे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा उसको हाजिरी से और उस पर उस डेट पे उसकी हाजिरी उसकी जमानत खारिज नहीं की जाएगी। इसी चीज़ को बाद में मजीद क्लियर किया गया PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 886 पे, PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 886 सफ़ा पे इसको मजीद वजाहत के साथ बयान किया गया और कहा गया कि अगर सफिशेंट काज मौजूद होगा तो उसको अडजर्न कर दिया जाएगा और अडजर्न करने के बाद बेल खारिज नहीं की जाएगी। इसी को इससे पहले जो इसमें बेसिक जजमेंट थी वो PLD 1973 लाहौर 873 थी, PLD 1973 लाहौर 874 पे वजाहत की गई थी। उस वक्त इस चीज़ को बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया गया था लेकिन इसको मजीद एलेबोरेट कर दिया गया 2018 YLR 323 लाहौर में और अब उसके तहत ये डिसाइड किया गया कि अगर सफिशेंट काज मौजूद होगा तो उसकी गैर हाजिरी, अगर कौंसिल हाजिर है कौंसिल आके कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देता है कि आज सफिशेंट काज की वजह से वो कोर्ट में हाजिर होने से कासिर है तो सूरत में उसकी बेल खारिज नहीं की जाएगी बल्कि मैटर को अडजर्न किया जाएगा।